कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और अगर आप कोई इसी तरह की चीज़ बनाते हैं तो मुझे पिक ज़रूर सेंड किया करें, और क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप कमेंट्स करते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं चाइनीज़ राइस और चिकन मंचूरियन। ये चिकन मंचूरियन के लिए हम लेंगे, मैंने लिया है 250 ग्राम, मैंने बोनलेस चिकन लिया है, 1 टेबलस्पून मैदा लिया है और 3 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर के इसमें शामिल किए हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ब्लैक सॉस शामिल की है। अब हम इसका अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया है। अब इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, पानी की थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको मैरिनेट करने के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे। दूसरी साइड पे हम पैन लेंगे, उसमें ऑयल शामिल करेंगे और ये जो हमने चिकन मैरिनेट किया है इसको फ्राई कर लेंगे मंचूरियन में डालने के लिए। हमें इसका तकरीबन लाइट गोल्डन कलर चाहिए और हम इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि अंदर से अच्छे तरीके से ये गल जाए। हमें इसका तकरीबन ऐसा ही कलर चाहिए, लाइट गोल्डन। हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। दूसरी साइड पे हम 4 से 5 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला, अदरक के मैंने स्लाइस किए और ग्रीन चिली मैंने इस शेप में 1 टेबलस्पून मैंने ली, और एक नॉर्मल साइज़ का मैंने अनियन लिया और एक कैप्सिकम ली, उसकी भी मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली। ब्लैक सोया सॉस मैंने इसमें शामिल की, 3 से 4 टेबलस्पून मैंने शामिल की, और सॉल्ट हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स इसमें 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून। हम ये मंचूरियन के लिए रेडी कर रहे हैं। तकरीबन 1 मिनट हमने इसको फ्राई करना है, उसके बाद हमने 1.5 ग्लास वाटर डाल देना है। रेड चिल्ली सॉस इसमें मैंने 2 टेबलस्पून और 1 कप मैंने इसमें केचप शामिल की है, चिल्ली गार्लिक केचप मैंने इसमें यूज़ की है। आप चाहें तो सादा सिंपल वाली केचप भी, टमाटो केचप इसमें डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर साइड 1 कप में थोड़ा सा मैंने पानी लिया, उसमें मिक्स करके इसको इसमें डालेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको पकाएंगे। उसके पकने के बाद हम इसमें ये देखें इसका कलर चेंज हो चुका है, मंचूरियन हमारा रेडी है और बहुत मज़े का माशाल्लाह रेडी हुआ है। इसमें हमने जो चिकन फ्राई किया था वो शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद हमारा मंचूरियन बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। दूसरी साइड पे 200 ग्राम मैंने चिकन लिया बोनलेस और 5 टेबलस्पून इसमें ऑयल के शामिल किए। हम इसको फ्राई करेंगे, जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज होगा इसमें रेड चिल्ली सॉस के 2 टेबलस्पून मैंने शामिल किए, 2 टेबलस्पून ब्लैक सोया सॉस। ये मैं, आप याद रखिएगा, 1/2 किलो चावलों के लिए ये मैं तैयार कर रही हूँ चाइनीज़ राइस। ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून, क्योंकि थोड़े से 1 टेबलस्पून इसमें नमक का शामिल किया हमने, और इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन ये फ्राई हो चुके हैं, जब ये फ्राई हो जाए अच्छे तरीके से और तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। इस शेप की मैंने स्लाइस में गाजर की कटिंग की है, 2 अदद नॉर्मल साइज़ की गाजरें ली थी, यानी कि 1 कप बन जाएगा, और कैप्सिकम भी 2 ली थी, 1 कप कैप्सिकम बन जाएंगी। कैबेज भी 1 कप ही मैंने इसमें इस शेप की कटिंग कर ली थी, और इसको मैं तकरीबन 1 मिनट फ्राई करूँगी और फ्लेम बंद कर दूँगी, क्योंकि वेजिटेबल फ्रेश ही अच्छी लगती हैं। 2 eggs लिए मैंने, ये हम अपने चाइनीज़ राइस में डालेंगे eggs, और 1/2 टीस्पून, 1/2 से भी कम मैंने इसमें ब्लैक पेपर शामिल किया, और थोड़ा सा नमक हम इसमें शामिल कर देंगे,
और थोड़ा सा इसमें 2 टेबलस्पून वाटर शामिल करेंगे। अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल पैन में शामिल करेंगे और इसमें जो मैंने अभी हमारा ये जो मिक्सर है अंडों का मिक्सचर वो हम इसमें शामिल कर देंगे। हम इसमें चम्मच नहीं हिलाएंगे और ये हमारा एग्स रेडी हैं। अब हम इसको स्लाइस के शक्ल में काट लेंगे। ये जो हम वेजिटेबल रेडी कर रहे थे हम उसमें ये शामिल कर लेंगे ताकि इसको ये जो सोया सॉस वाला मसाला वगैरह है अच्छे तरीके से एग्स को भी लग जाए। और दूसरी साइड पे मैंने चावल बॉईल कर लिए थे। मैंने 1 गिलास यानी कि 1/2 किलो चावल बॉईल किए थे। जो जब मैंने चावल बॉईल किए थे उसी के अंदर मैंने मटर शामिल कर दिए थे ताकि अच्छे तरीके से मटर भी बॉईल हो जाएं। तो हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक के लिए दम लगाया था। अब देखिए माशाल्लाह बिल्कुल हमारे राइस रेडी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और मंचूरियन भी रेडी है और चाइनीज़ राइस भी रेडी हैं। मज़े मज़े का खाना है आज। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा क्योंकि मौसम बहुत मज़े वाला है, बहुत सर्दी वाला मौसम है। तो मैंने तो चेक किया है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मैं फिर कह रही हूँ आपको कि अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके राइस कैसे बने। घर में बड़ों को ट्राई करवाएं, बच्चों की फेवरेट डिश है। तो चलें नेक्स्ट रेसिपी अच्छी सी आपके लिए कुछ और लेके आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।